मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण में आने की बात कही। उन्होंने बताया कि सीएम की समीक्षा बैठक के बाद कोरोना टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी इजाफा किया गया है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अब राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं। इसके अलावा प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को शर्मनाक बताया, जिसके लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तीसरी लहर को लेके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों से नीचे तक बात किया, पर ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, ढील नहीं बरतना है। हम लगभग 70,000 के आसपास प्रतिदिन रोज टेस्ट कर रहे हैं और लगभग 25 से 35 तक हम लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं। इसलिए हमारी पूरी तैयारी और ताकत ऐसी है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोक के रखें। कोरोना काल में भरपूर आराम करने के बाद राजनीतिक पर्यटन पे निकले आदरणीय कमलनाथ जी, भाजपा पे आरोप लगाने के पहले ये तो सोचो कि वो 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं, उसके पिताजी दादाजी, ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पे तिवारी जी चुनाव लड़े हैं। वहां पर एक उंगली हमारी तरफ उठाते हो तो तीन उंगली आपकी तरफ उठती है।